मास्टरवेशन मत करो, बॉडी खराब हो जाएगी। मास्टरवेशन मत करो, बाल ग्रो नहीं होंगे। मास्टरवेशन मत करो, बॉडी पे दाने निकल आएंगे, फेस खराब हो जाएगा। मास्टरवेशन मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या सच में हिलाने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? यानी मास्टरवेशन करने से ये सारे हेयर फॉल, पिंपल्स, बॉडी का गेन ना होना, ये सब होता भी है या फिर ये सब केवल एक र्यूमर है? बहुत सारे यूट्यूबर्स तुमको बोलते हैं कि मास्टरवेशन करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, लेकिन क्या ये सारी बातें सच भी होती हैं? और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मास्टरवेशन अगर तुम्हें हो रहा है तो गाइस एक तरीके से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर अगर एज के साथ मास्टरवेशन तुमको नहीं हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें जल्दी से जाकर अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर, मोस्ट साइंटिफिक वे में बताने वाला हूं कि एक्चुअली मास्टरबेशन अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, करोगे तो क्या होगा, और मैं उसके तुम्हें बेनिफिट्स भी बताने वाला हूं। जी हाँ गाइस, इसके जो है बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि कई लोगों को नहीं पता होंगे, तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। सब लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मास्टरबेशन प्रॉब्लम कब होती है? देखो मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब तक मास्टरवेशन तुम्हारे लिए एक डिजायर है तब तक वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन जहां पर मास्टरवेशन तुम्हारे लिए एक नीड बन जाएगी, जब तुम्हारी जरूरत बन जाएगी, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा करोगे, लिमिट से ज्यादा करोगे, तो वो जरूर इफेक्ट करेगी। जैसे तुम्हारे स्लीप का जो टाइम होता है वो 7 से 8 घंटे की होती है, लेकिन वहीं पर अगर तुम 10 से 12 घंटे की नींद लोगे तो गाइस ये ज्यादा हो रहा है। तो इस चीज को जो हो तुम ही रोक सकते हो, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है, या फिर हम जैसे जो लोग वीडियो बना के तुम्हें बता रहे हैं, हम लोग केवल तुमको बता सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल तुम्हें ही करना है। बेसिकली मास्टरबेशन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कब बनता है? जब वो तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे फ्रेंड्स से या फिर तुम्हारे कोवर्कर्स के साथ जब ये इफेक्ट करने लगे, जब ये चीज कुछ ज्यादा होने लगे, तो गाइस मास्टरबेशन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। अब तुम इस चीज को किस तरीके से कंट्रोल करोगे? तो इसके लिए गाइस तुम कुछ गाइडलाइंस ले सकते हो, या फिर तुम अपने एक स्पेशली सेक्स थेरेपिस्ट जो होता है उससे बात कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूँ जिनके थ्रू तुम इजिली इस चीज पर कंट्रोल ला सकते हो। और गाइस एक बार तुम इस चीज पर कंट्रोल ला दोगे तो तुम्हारे जो बाकी तुमने गोल्स सेट कर रखे हैं उन पर भी तुम ध्यान दे सकोगे। साथ ही साथ जब तुम इस चीज को कम कर देते हो तो तुम्हारी जो एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन होता है उससे भी एक हद तक तुम बाहर आ जाते हो, तो ये भी तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो वो तुम्हें किस तरीके से करना है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो तुम्हें मास्टरबेशन को कंट्रोल किस तरीके से करना है गाइस वो मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा। बहुत बड़ी बातें नहीं बताने वाला हूँ, कुछ बेसिक से टिप्स दूंगा जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो आई एम श्योर गाइस तुम इसको कंट्रोल कर लोगे। जब भी तुम जो है अपने मोबाइल पर पॉर्न देखते होगे तो एक चीज को नोटिस करना, जितनी देर तुम उस स्क्रीन पर देखते रहोगे तो उतनी देर तुम अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा माइंड जो है कहीं और ही चल रहा होगा। तो अगर तुम्हें एग्जैक्टली एट द टाइम अपने माइंड पर कंट्रोल लाना होगा तो तुम स्क्रीन को देख रहे होगे तो तुम अपना ध्यान स्क्रीन से हटाकर कहीं और पर ले जा सकते हो, लाइक मोबाइल में ही कैमरे, फ्रंट कैमरे की तरफ, या फिर किसी ऐसी चीज को दे सकते हो जहां पर वो चीज जो चल रही है वहां पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ रही, तो एकदम से तुम्हारा ध्यान उस चीज से हट जाएगा, और जब तुम्हारा ध्यान उस चीज से हट जाएगा तो तुम उस चीज को उस टाइम नहीं करोगे। तो दूसरी चीज है, जब भी तुम अपने बेड पर लेटते हो तो तुम्हें जो है मोस्टली ये करना है कि उल्टी साइड नहीं लेटना है, यानी मतलब सीधे होके लेटना है, पेट के बल नहीं लेटना है गाइस। ये अगर तुम फॉलो करते हो तो ये भी एक तरीके से कारगर तरीका है, जिस बहुत से लोगों ने तुम्हें बोला हो कि मास्टरबेशन से जो है पेनिस श्रिंकेज हो जाता है, या फिर फिजिकल वीकनेस हो जाती है, मेंटल इलनेस हो जाती है, या फिर जो है तुम्हारे स्पर्म जो है उसका काउंट कम हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ये सभी चीजें मास्टरबेशन से नहीं होती हैं। इसको तुम किसी भी सोशल साइट पर जाकर पढ़ सकते हो या फिर अपने डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हो। इस चीज को अगर तुमने डॉक्टर से रिकमेंड करोगे तो गाइस स्पेशली तुम्हें इस पे पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका दे देगा कि ये सारी चीजें इससे नहीं होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन से जो है मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या फिर ब्लाइंडनेस भी होती है,
गाइस, बीइंग एन ऑप्टिशियन मैं आपको बता सकता हूँ कि मास्टरबेशन से कोई ब्लाइंडनेस नहीं होती है। ये जो भी आपको बोलता है तो वो प्रॉपर एक गलत तरीका है कि मास्टरबेशन से किसी तरह का कोई ब्लाइंडनेस नहीं होता है, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं ये सारी छूट हैं। दोस्तों, मास्टरबेशन जो है एक नेचुरल नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो कई डॉक्टर्स का कहना है कि एक हेल्थी सेक्सुअल एक्टिविटी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज को तुम लिमिट में करते हो तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसको ओवर कर रहा हो तो गाइस वो तुम्हारे लिए जरूर प्रॉब्लम बन जाएगी। तो जब तक मास्टरबेशन तुम्हारे लिए एक डिजायर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर मास्टरबेशन तुम्हारी नीड बन गई है वही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, मास्टरबेशन के जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे स्टडीज में जो है ये भी प्रूव्ड है कि मास्टरबेशन जो है आपकी जो है स्लीप क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है, आपका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर देता है, एज वेल आपकी जो टेंशन होती हैं उनको भी रिलीज करता है। साथ ही साथ ये जो है आपके सेक्स की क्वालिटी को भी बढ़ाता है और आपका जो कंसेंट्रेशन है उसको भी कई बारी बूस्ट कर देता है। तो मास्टरबेशन एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन मास्टरबेशन ही करते रहो। ये सब चीजें तब होती हैं जब आप किसी चीज को एक लिमिट के साथ लेके चलते हो। अगर उसको अनलिमिटेड कर दोगे, उसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे तो गाइस वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी जो बेनिफिट्स हैं ये सारे बेनिफिट्स तुम्हें तब नहीं मिलने वाले हैं। तो तुमको इसको एक जो है लिमिट में लेके चलना है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। किसी चीज को जो है गाइस सीख कर ग्रो कर जाओगे तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर उसी चीज में स्टक हो जाओगे तो तुम बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें सीख कर ग्रो करना है लेकिन उसमें स्टक नहीं होना है, तो यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और दबाएं बेल नोटिफिकेशन को।